सोलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में बात कर रहे हैं वीवो के Y58 5G फोन के बारे में। अगर आप लोग के पास वीवो का Y58 5G फोन है, इस फोन में अगर आप लोग चाहते हो अल्ट्रा गेम मोड सेटिंग को इनेबल करना, जैसे कि गेम टर्बो फीचर्स को, यहां पर आपको बताने लगा हूं गेम टर्बो फीचर्स। यहां पर जैसे कि अगर आप लोग अपने फोन में फ्री फायर या पबजी वगैरह खेलते हो या कोई सा भी गेम खेलते हो, तो आप इसे इनेबल करने के बाद अपने फोन में स्मूथ गेमिंग वगैरह कर पाओगे। इससे आपकी बैटरी बैकअप भी अच्छी खासी मिल जाएगी एंड अगर आपके पास बार बार कॉल आते हैं तो आप लोग कॉल से भी छुटकारा पा पाओगे। तो दोस्तों, यहां पर आपको बताने लगा अल्ट्रा गेम मोड सेटिंग को कैसे यूज करना है अपने वीवो के Y58 फोन के सेटिंग के अंदर से। तो फाइनली दोस्तों, इसी के बारे में आपको बताने लगा हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आप लोग वीवो का Y58 5G फोन यूज करो, इस फोन में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा गेम मोड सेटिंग यानी कि गेम टर्बो फीचर्स। गेमिंग करते समय आपको स्मूथ प्ले करने को मिल जाएगा गेम। यहां पर आपको बताता हूं कैसे इनेबल करना। इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आपको आ जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद दोस्तों, इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। नीचे आओगे तो आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है। नीचे देखोगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन। यहां पर गेम असिस्टेंट एंड गेम डोंट नोट डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, मोड का ऑप्शन। जैसे क्लिक करते हो, यहां पर आपको बताया गया है गेम मोड कैसे इनेबल करना है। अगर आप लोग इससे इनेबल नहीं कर रहे हो तो यहां पर आपको गेम्स का ऑप्शन मिल जाता है साइड बार, यहां पर गेम का। तो यहां पर आपको पहले ऑन कर लेना है। जैसे इसे इनेबल करते हो, आपके फोन में एक ऑप्शन नीचे मिल जाता है यहां पर गेम मोड का। यहां पर इस वाले फीचर्स को आप लोग इनेबल कर लेते हो तो आपको यहां पर कॉलिंग के बारे में यहां पर बताया गया, कंट्रोलर्स के बारे में बताया गया, यहां पर आपके आई डिस्प्लेस के बारे में बताया गया, यहां पर आपका परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया। तो यहां पर आप लोग इसे यूज कर बोलोगे, यहां पर आपका गेम जो भी ऐड है पर शो कर देगा, फ्री फायर गेम है और लेट्स गो यहां पर आपको बताया गया है। तो कंप्लीटली नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन, यहां पर आप इसे ऑन करोगे तो यहां पर आपको ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। नीचे आपको मिलेगा 4D गेम वॉल्यूम का ऑप्शन, यहां पर जैसे क्लिक हो वर्जन पे इसे भी आप क्लिक करते हो तो आपको यहां पे कुछ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन नीचे आपको गेम साउंड इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करोगे आपको साउंड इफेक्ट सुनाई देगा। इस वाले ऑप्शन को आपको इनेबल कर लेना है। अलग अलग साउंड में आप लोग अपने हिसाब से क्रिएट भी कर पाओगे, अलग अलग तरीके का आप लोग यहां पर यूज भी कर पाओगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको गेम टर्बो को यहां पर इनेबल करना होता है, गेम अल्ट्रा गेम मोड को इनेबल करना होता है। तो अपने फोन में इनेबल कर सकते हो वीवो के Y58 5G फोन में। एंड उसके बाद दोस्तों, नीचे मिल जाता है एक और ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे रेट ऑफ फायर यहां पर आपको मिल जाता है। इस पबजी को, फ्री फायर जो है पबजी आप लोग यूज करो तो इसे ऑन कर लेना है। कंप्लीटली ऑन करने के बाद अब यहां पर आप लोग कौन कौन सा गेम को ऐड किए हो यहां पर मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर आपको ब्लॉक नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देना है। यहां से आपका नोटिफिकेशन जो है उसे ब्लॉक कर देना है। उसके बाद यहां पर म्यूट कॉल है, तो यहां पर आप कोई सा भी कॉल बैकग्राउंड के अंदर आ रहा है तो इसे आप लोग रिजेक्ट कर सकते हो या म्यूट कर सकते हो। आसानी तरीके से गेम प्ले करते समय आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको मिल जाता है और भी ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर स्नैक, यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप लोग इनेबल कर सकते हो। नीचे आपको डिसेबल फ्री फायर फिंगर्स, यहाँ पर आपको इसे भी कर सकते हो कंप्लीटली। अब यहाँ पर आपको गेम ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप कोई सा भी गेम ऐड भी कर सकते हो अपने फोन में। मैंने दो गेम को ऐड कर रखा है, फ्री फायर एक और ट्रेन का गेम है, तो मैंने दो गेम को ऐड कर रखा। तो इस तरीके से आप ऐड करने के बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना है। अब क्या है दोस्तों, इस गेम को आपको प्ले करना है, तो यहां से आप प्ले करोगे। जैसे प्ले करते हो गेम वगैरह को, तो यहां पर आपको साइड में एक नोटिफिकेशन मिलेगा, इस वाले साइड में आपको मिल जाता है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा। जैसे लाते हो यहां पर आपको एक गेम टर्बो यहां पर शो कर देगा, इसके अंदर आपको देख सकते हो ये जो गेम का फीचर्स है यहां पर आपको शो करेगा। और ये जो गेम वाला फीचर्स आपको देखने को मिलता है, आसानी तरीके से अपने फोन में आप लोग यूज कर पाओगे, यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहां पर साइड में आप लाओगे और यहां पर जो गेम वाला ऑप्शन है यहां पर आपको मिल जाता है। इसके अंदर दोस्तों, यहां पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको दिखाता हूं, अलग अलग तरीके का डिफरेंट मिलते हैं। जैसे आपने गेम टर्बो को यहां पर लाया और यहां पर आपको अलग अलग तरीके का आपको गेम मिल जाता है। अब इसके अंदर आपको वॉइस चेंजर के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों, इसके अंदर आपको मिल जाता है इस तरीके का ऑप्शन गेम टर्बो का, यहां पर आपको मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको एक वॉइस चेंजर मिल जाता है, वॉइस चेंजर पर क्लिक करोगे अलग अलग तरीके का आपको वॉइस चेंज मिल जाता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो वॉइस चेंजर है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे, अलग अलग तरीके में वॉइस चेंज भी कर पाओगे। किसी भी गेम को खेलते हुए अलग अलग तरीके में वॉइस चेंजर आपको मिल जाता है, तो अपने हिसाब से आप लोग
क्रिएट भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको वॉइस चेंजर भी फीचर्स देखने को मिल जाता है। डन करोगे कंप्लीटली इसके अंदर आपको मिल जाते हैं और भी ऑप्शन, जैसे कि गेम अल्ट्रा गेम के अंदर आपको व्हाट्सअप एंड नोटिफिकेशन वगैरह एडिट करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, परफॉर्मेंस देखना, अलग अलग तरीके का आपको बैटरी सेव करके रखना अगर गेम करते समय, तो यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। कंप्लीटली अपने फ़ोन में आप ट्राई कर पाओगे और स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, तो आसानी तरीके से आप लोग कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो फाइनली आप लोग जाकर अपने फोन में ट्राई कर सकते हो और आसानी तरीके से अपने फोन में स्क्रीन रिकॉर्डर भी कर पाओगे। तो यहां पर मैंने बता दिया क्या क्या चीज आपको इसके अंदर देखने मिल जाता है अल्ट्रा गेम मोड के अंदर। फाइनली अपने फोन में जाकर आप लोग ट्राई कर सकते हो और जो मैंने बताया इस तरीके से आपको इनेबल करना होता है एंड गेम खेलते समय आपको ये फीचर्स देखने को मिल जाता है। फाइनली अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।